नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल मखनी और मलाई पनीर, साथ में जीरा राइस बनाऊँगी, और बाकी धीरे धीरे आपके साथ एक एक करके रेसिपी शेयर करूँगी। आज जो मैं शेयर कर रही हूँ वो दाल मखनी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने जीरा डाला, 2 तेज़पत्ता डाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला, और 1 जो है मैंने लाल मिर्च जो होती है खड़ी वो डाला। साथ में यहाँ पे 1 मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची, उसके बाद कटा हुआ 1 प्याज और 1 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज पहले हमने यहाँ पे आधा प्याज को मैंने कट करके डाला है, बाकी मैं जो 2 प्याज और लूँगी उसको मैं पेस्ट बनाऊँगी। जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है दाल मखनी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने एक साथ पीस दिया है। इससे क्या, थोड़ा सा सब्ज़ी जल्दी बनती है, और अगर हम टमाटर के साथ प्याज को भून के डालते हैं तो जो हमारी ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी बनती है और थिक होती है, और जो प्याज है ना वो जल्दी भून जाता है। जब तक प्याज भून रहा है तब तक यहाँ मैंने मसाले ले लिए हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है राजमा मसाला लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भून रही हूँ मैं टमाटर प्याज, इसको हमें अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से भून जाएगा थोड़ा तो हमें इसमें मसाले डाल देने हैं, और फिर मसालों के साथ इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से कम इसको भूनने के लिए हमें 10 से 15 मिनट का टाइम देना होगा, तब हमारे मसाले अच्छे से भूनेंगे। इस बात का बहुत ध्यान देना है, अगर इसको आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें प्याज का कच्चा टेस्ट आएगा, तो इस बात का ध्यान दें। देखिए, जब ये अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब ये मसाला देखिए कितना अच्छे से अब भून चुका है, ऑयल रिलीज कर दिया है, मीन्स कि हमारा जो ये है भून चुका है। तो अब इसके बाद हम जब मसाले भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं और इसको भून लेती हूँ ताकि ये अब और अच्छे से, देखिए जगह जगह पे देखिए ऑयल रिलीज हो रहा है, तो मीन्स ये परफेक्ट हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें मसाले को तैयार करना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच घर की मलाई, और उसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्क से फेंट लिया है, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया है। हाई फ्लेम पे मलाई को बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल सकती हैं, क्रीम अगर डालना हो तो हमें लास्ट में डालना चाहिए, और अगर हम मलाई डाल रहे हैं तो हमें उसको मसाले के साथ डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मलाई होती है अच्छे से मेल्ट हो जाती है और मलाई के कण दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगी, मलाई को हम अच्छे से भूनेंगे, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसको चलाना बंद कर देंगे। मलाई डालने के बाद हम कंटिन्यूस हमको चलाते रहना है। और अब देखिए, यहाँ पे मैंने रात में राजमा और दाल को अलग अलग मैंने भिगो दिया था, और उसके बाद इसमें मैंने 1 गिलास दूध डाल के और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। दूध के साथ ही इसको बॉयल करना होता है, 3-4 सीटी में ये बॉयल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वो भी एक साइड में मैंने रख दिया था, बॉयल हो चुका है। और अब हम जो राजमा और ये उबाल के रखे हैं इसको हम इस मसाले की ग्रेवी में डाल देंगे। तो बस यहाँ पे डालने के बाद मसाले तो अच्छे से तैयार है, सब कुछ रेडी है, तो इसको बनने में उबला हुआ है टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, और ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, जीरा राइस के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ, और ऊपर से आप चाहें तो बटर डाल सकती हैं, और या बटर नहीं हो तो आप घी डाल दें तो उससे बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार है। आप देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, तो इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मलाई पनीर की रेसिपी है, साथ में मैंने गुलाब जामुन बनाया था, इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर है तो देख लीजिए।
साथ में रायता है, रायता के गाइस तो आज मेरे यहाँ आने वाले हैं गेस्ट कुछ डिनर करने के लिए। डिनर पे मैंने बुलाया है तो मैंने क्या क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है दाल मखनी बनाई है मैंने, और इधर मैंने बनाया है मलाई पनीर, साथ में मैंने ये बनाए हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैंने शाम को ही बना लिए थे कल, और अभी ये मैंने बनाया है बूंदी का रायता। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी मैंने जीरा राइस बनाना है, और साथ में पूरी पराठा रोटी जो भी पसंद करेंगे वो बनाऊंगी, और साथ में केक भी मैंने बनाया हुआ है और इतनी सारी चीज़ें। तो गर्मी बहुत है और आप सबने आज क्या बनाया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने मैंने कितनी सारी चीज़ें बना रखी है डिनर के लिए, और ये वो डिनर बहुत ज़्यादा पसंद किया सभी लोगों ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और किस शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँची है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के। और आप सब अगर मुझे कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई करने में भी मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सबसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ जल्दी ही। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।